मिलाकर उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बांध दिए गए। उन्हें हवेली के फाटक तक ले जाया गया। ये लोहे का काफी ऊंचा और भारी दरवाजा था, जिस पर कई पहरेदार तैनात थे। हवेली के अंदर आने और यहां से बाहर निकलने का एकमात्र यही रास्ता था। दरवाजे पर एक बड़ी सी बैलगाड़ी थी, जिसके ऊपर फूस का छप्पर था और चारों तरफ से काले कपड़े से ढकी हुई थी। गुलामों के अंदर जाने के लिए कपड़े को एक तरफ से हटाया गया और एक एक करके सभी गुलामों को अंदर धकेला जाने लगा। उस तंग जगह में लगभग 20 गुलामों को ठूंसा गया। शीजा ने देखा कि उसके साथ ले जाए जा रहे दूसरे गुलाम खुश नहीं दिख रहे थे और काफी डरे हुए थे। कुछ गुलाम रो भी रहे थे, इनमें ज्यादातर जवान लड़कियां, एक युवा लड़का और एक महिला शामिल थी, जो लगभग 40 के आसपास की होगी। शीजा ने पाया कि इस पूरी व्यवस्था में उसने एक बार भी 30 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। ऐसा लगता कि गुलामों के इस व्यापार में अधिक उम्र के लोग बेकार मान लिए जाते थे। शीजा को आश्चर्य हुआ कि आखिर उन लोगों का क्या होता होगा जो बूढ़े हो जाते होंगे या बाजार में बिकने की सामान्य उम्र से काफी ज्यादा हो जाते होंगे। शीजा खड़ी खड़ी जायजा ले ही रही थी कि एक पहरेदार ने उसे जोर से धक्का मारा और लगभग बैलगाड़ी पर धकेल दिया। लड़की, तुम क्या यहीं खड़ी रहोगी? चुपचाप बाकी गुलामों के साथ अंदर बैठो। शीजा चुपचाप बैलगाड़ी पर सवार हुई और थोड़ी सी जगह में सिमट कर बैठ गई। ये बैलगाड़ी सामान्य बैलगाड़ियों से काफी बड़ी थी, फिर भी इतने लोगों के एक साथ बैठने के कारण जगह कम पड़ रही थी। सब गुलामों की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ पीछे बांधे गए थे। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद बैलगाड़ी रुकी और पहरेदारों की आपसी बातचीत से गुलामों ने सुना कि वो सब हीरा मंडी से चंगा मंगा के जंगलों में लगने वाले काले बाजार में पहुंच चुके थे। इस जंगल में अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिसके कारण सभी गुलाम असहज थे, पर पहरेदारों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये काला बाजार एक ऐसी जगह थी जहां कई ऐसी चीजें आसानी से मिल जाती थी जो आम तौर पर खुले में नहीं बिकती थी। गुलामों से पेश आते समय पहरेदार बहुत क्रूर हो जाया करते थे। दया जैसी कोई चीज उन्हें मालूम ही नहीं थी। लगभग हर गुलाम को बैलगाड़ी से उतारते वक्त खींचा या घसीटा गया, फिर उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया गया। गुलामों को कतार में खड़े करके उनकी आंखों पर बांधी गई पट्टियां उतार दी गईं। घंटों बाद आंखों पर पड़ने वाली रोशनी ने सब गुलामों की आंखों को चौंधिया दिया। शीजा के साथ खड़ी दो लड़कियां लगातार जोर जोर से रो रही थीं। तंग होकर एक पहरेदार ने एक लड़की को खींचकर तमाचा रसीद कर दिया। उस थप्पड़ की गूंज ने शीजा के बगल में खड़े गुलाम को इस कदर डरा दिया कि वो एकदम से खामोश हो गई। उसकी आवाज जरूर बंद हो गई थी, पर रोना नहीं थमा था। तभी एक पहरेदार की आवाज गूंजी। एक और आवाज मेरे कान में पड़ी और मैं तुम सबको अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। चुप रहो सबके सब। इस पहरेदार की आवाज से शीजा ने पहचान लिया कि ये वही था जिसने उसे बैलगाड़ी में बैठते समय डांट कर अंदर धकेला था। बाकी पहरेदार इसे पिंदा नाम से बुला रहे थे। ये अपनी आवाज और बातों से बेहद गिरा हुआ लगता था। तभी पिंदा बोला, जरा देखो तो इन गुलामों को, ये पिछली बार वालों से थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से ये वाली। इतना कहकर पिंदा शीजा के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उसकी उंगलियां शीजा के बालों को उसके कानों के पीछे सरकाकर उसके नर्म गालों से फिसलती हुई उसके होंठों पर फिरने लगी। ये स्पर्श शीजा की त्वचा पर था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई तेज चाकू उसकी आत्मा को छलनी कर रहा हो। तभी पिंदा की उंगली का दबाव शीजा के होंठों पर बढ़ा और शीजा की घबराई शक्ल देखकर पिंदा कह कहे लगाने लगा। उस स्पर्श का घिनौनापन जब शीजा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना मुंह खोला और पिंदा की उंगली को जोर से काट लिया। शीजा ने सोचा नहीं था कि वो उस पहरेदार की उंगली काटेगी, पर उसका छूना इतना गंदा एहसास था कि शीजा से रहा नहीं गया।
एक बार की दर्द से परेशान होकर पिंदा ने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ शिजा के गाल पर पड़ा। शिजा को अपने गाल पर तेज जलन महसूस हुई, साथ ही पिंदा की आवाज गूंजी, बहुत चर्बी चढ़ी है साली को, इस हरामजादी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिजा के होंठ के किनारे से खून टपकने लगा और कान में सीटी सी बजने लगी। थप्पड़ के दर्द और अपमान से उसकी आंखों के कोरों से आंसू छलक पड़े। पिंदा उसे फिर से थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन एक काले कपड़ों वाले पहरेदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और ये पहरेदार बोला, अबे रुक जा, एक और मार दिया तो माल को नुकसान पहुंचेगा, चेहरे पर चोट आ गई तो कौन खरीदेगा इसे। फिर शिजा को घूरते हुए वो पहरेदार बोला, लगता है इसे ठीक से तौर तरीके सिखाए बिना ही यहाँ भेज दिया गया है। इस पहरेदार या किसी को भी ये नहीं मालूम था कि शिजा को गुलाम घर में बमुश्किल एक ही हफ्ता हुआ था। नए गुलाम आमतौर पर बाजार में तुरंत नहीं बेचे जाते थे, जब तक कि कोई खास तौर पर किसी गुलाम को खरीदने के लिए सीधे गुलाम खाने ना पहुंच जाए। पिंदा अभी तक भी गुस्से में था, वो दहाड़ा, साली कुतिया। पिंदा शिजा को कोई और नुकसान पहुंचाता उसके पहले ही उसके काले कपड़ों वाले पहरेदार साथी ने उसे रोक दिया। गुस्से को काबू में कर और वहां जाकर मंच का काम संभाल। लोगों को पुकारना और बताना शुरू कर कि बिकने के लिए नए गुलाम आए हैं। आसपास की भीड़ इकट्ठी करवाओ, तब तक मैं इन गुलामों को मंच के पीछे ले जाता हूँ। पिंदा ने जहरीली नजरों से शिजा को घूरते हुए एक भद्दी सी गाली उछाली और तेज कदमों से मंच की ओर चला गया। पिंदा के जाते ही पहरेदार ने शिजा को पकड़ के उसका सिर एक पेड़ के तने से सटाकर उस पर दबाव डालना शुरू किया। थप्पड़ के बाद ये दर्द सहना शिजा के लिए मुश्किल हो रहा था। पहरेदार गुस्से में बोला, पागल लड़की, तुम जानती भी हो कि पिंदा कितना खास आदमी है। यहाँ गुलाम खरीदने आने वाले लोगों और गुलाम खाने के मुलाजिमों के बीच की कड़ी है वो। शिजा खुद को छुड़ाने का भरपूर प्रयास कर रही थी, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। उसे संघर्ष करते देख पहरेदार ने एक झटके से उसे आजाद किया और कहा, बहुत शौक है ना तुझे फड़फड़ाने का, चल तुझे दिखाता हूँ कि जो गुलाम हमारी बात नहीं मानते हैं उनके साथ कैसा सुलूक किया जाता है। इतना कहकर काले कपड़ों वाला पहरेदार मंच की दिशा में भर चला। उसके पीछे पीछे सभी गुलाम कतार बनाकर चलने लगे। इस कतार को चारों ओर से घेरकर पहरेदार चल रहे थे। सिर झुकाकर चलती शिजा ने नजरें उठाकर उस तरफ देखा जिस ओर पिंदा गया था। पीछा करती शिजा की नजरों ने देखा कि वहां जंगल में पेड़ों के झुरमुट में वाकई पत्थर का एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिसके सामने काफी खाली जगह थी। पेड़ों के नीचे आदमी और औरतें छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे हुए थे। इन दुकानों पर कई लोग सामान ले रहे थे। ये सामान शिजा ने कभी देखे नहीं थे। शिजा की योजना यहाँ आकर बिकने की नहीं बल्कि भागने की थी, लेकिन अभी तक कोई मौका हाथ नहीं लग पाया था। गुलामों को जल्द ही मंच के पीछे ले जाया गया और बिखरी हुई सूखी पत्तियों पर बैठा दिया गया। बैठे हुए गुलामों को हथियारबंद पहरेदारों ने चारों तरफ से घेर रखा था। शिजा बार बार चारों तरफ देख रही थी कि कोई राह सूझे, मगर पहरेदारों की कड़ी नजर से छुपकर भागना नामुमकिन था। इस जगह से सभी गुलाम उस मंच को देख सकते थे जो उन्हें बेचने के लिए बनाया गया था, जबकि ग्राहक सिर्फ मंच को ही देख सकते थे। काले कपड़े वाले पहरेदार ने जो कहा था उन बातों का मतलब समझने के लिए शिजा ने अपनी नजरें मंच पर जमा दी। तभी काले कपड़े वाले पहरेदार के इशारे पर दो पहरेदारों ने मंच की सीढ़ियों के पास बैठी लड़की को उठने का इशारा किया और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे मंच पर धकेल दिया गया। इस लड़की के हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। पिंदा की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, सलाम ख्वातीनो हजरत, आज हम अपने साथ पिछले हफ्ते बेचे गए माल से बेहतर सामान लाए हैं। ऐसे गुलाम जिन्हें आप खरीदना चाहेंगे और उनका उपयोग करना चाहेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे। मंच पर धकेली गई जवान गुलाम लड़की की ओर इशारा करके पिंदा आगे बोला, ये देखिए,
ये तो बस एक नजारा भर है कि आज हमारे पास क्या क्या है। पिंदा ने ये बात इतनी जोर से कही कि मौजूद हर इंसान उसे सुन सके। लड़की को मंच पर देखते ही मंच के नीचे खरीददारों का हुजूम लग गया। पिंदा बोला, ये हमारी आज की पहली गुलाम है, इसका नाम तारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काले बालों और गोरी त्वचा वाली एक युवा इंसान है। इतना कहकर पिंदा ने उस लड़की के चेहरे को छुआ। लड़की डर गई, लेकिन वो यही नहीं रुका, आगे बोला, इस लड़की की चमड़ी मक्खन जैसी मुलायम है और स्वाद भी। मेरे साथी लोगों, आप देखना चाहेंगे ना कि कितनी मुलायम, तो खास आपकी एक नजर के लिए ये लीजिए। शीजा ने उस गुलाम लड़की के कपड़ों के फटने की आवाज सुनी। लड़की मजबूर खड़ी आंसू बहा रही थी। इधर शीजा अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। ये सब पहरेदार मिलकर किसी भी औरत का मनोबल तोड़ सकते थे। ये उस लड़की के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। उस लड़की ने जो पोशाक पहनी थी उसे उसके कंधों पर से फाड़कर उसकी कमर तक खिसका दिया गया था। अब उस लड़की का ऊपरी जिस्म लोगों के सामने था, बेपर्दा, नंगा। शीजा सिहर उठी। अभी अभी जो उस लड़की के साथ हुआ था वो शीजा को पड़े थप्पड़ से कहीं ज्यादा सख्त सबक था। शीजा की आंखें बुझ गईं और उसकी उम्मीद ने दम तोड़ दिया। उस लड़की के साथ हुआ उसे देखकर मंच के सामने खड़े लोगों के हुजूम ने उत्साहित होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शीजा एक बहादुर लड़की थी और पिंदा की इस हरकत पर उसका दिल कह रहा था कि वो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दे। लेकिन मंच पर उस गुलाम लड़की के साथ जो हुआ उसने शीजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। गुलाम खाने में पहुंचने के बाद से शीजा का हर लम्हा भागकर काले बाजार की नीलामी तक पहुंचने की जुगत लगाने में गुजरा था। लेकिन यहाँ का हाल देखकर उसका हौसला जवाब देने लगा था और तभी पिंदा चिल्लाया, है ना ये लड़की खूबसूरत, तो चलो बोली लगाओ, देखते हैं कौन इस खूबसूरती की सही कीमत लगा पाता है। मंच पर बेशर्मी से पिंदा तारा नाम की उस गुलाम लड़की की बोली लगवा रहा था और इधर पीछे की तरफ पहरेदार कह कहे लगा रहे थे, लड़की तो कड़क है, जो किस्मत वाला इसे खरीदेगा उसकी तो सर्दी अच्छी कटेगी। तभी दूसरा पहरेदार बोला, यह भी तो हो सकता है कि कोई बूढ़ी खड़ूस औरत इसे खरीद ले और इस चिड़िया की सर्दियां उस बुढ़िया की खुरदुरी एड़ियों पर तेल की मालिश करते गुजरे। इस बात को सुनते ही सभी पहरेदार ठहाका लगाकर हंसने लगे। लाहौर उस जमाने में भी ऐसी जगह था जहां आसपास के शहरों से लेकर मुल्तान, अमृतसर तक के अमीर और ऊंचे रुतबे के लोग महंगे कपड़े, जूते और दूसरी चीजें खरीदने के लिए सड़कों पर चलते थे। इन चीजों को मध्यम या निचले तबके के गरीब लोग खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लाहौर से मुल्तान जाने वाले रास्ते पर चंगा मंगल के जंगल यानी एक ऐसी जगह जहां काला बाजार लगाया जाता था। काली चुड़ैलों द्वारा भेजे गए नापाक सामानों से लेकर हर उम्र के इंसानों तक। खुले बाजारों में इन सब चीजों की खरीद फरोख्त नामुमकिन थी और गैर कानूनी भी। लेकिन अभी तक किसी भी शहर की काउंसिल इस काले बाजार को रोकने में नामुमकिन रही थी। मंच पर लड़की को बेइज्जत करने का खेल अभी भी पूरी बेशर्मी से चल रहा था कि तभी एक पहरेदार ने काले कपड़ों वाले मुख्य पहरेदार से पूछा, साहब ये इलाका तो कानूनी जमात वालों के नीचे है ना, यहाँ कोई आ गया तो? काले कपड़ों वाला पहरेदार मुस्कुराया और बोला, लोगों के इस तरह यहाँ गुलामों की तरह बिकने की एक खास वजह है और वो ये कि इस खेल के आका यानी शुद्ध रक्त वाले पिशाच बहुत चालाक हैं। पहले कई बार काउंसिल ने इस बाजार को हटाने की कोशिश की थी, कुछ लोगों को गुलाम खाने चलाने वालों को पकड़ने के लिए भेजा भी गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो भाग गए या रिश्वत में भारी रकम लेकर दूसरों को बरगलाने में लग गए। और गौर से देखो, यहाँ कुछ लोग वाकई ऐसे भी हैं जो काला बाजारी की वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कहीं और नहीं मिलती। तुम्हें पता है, एक बार जब काला बाजार को बंद करने के लिए काउंसिल ने बहुत ज्यादा दबाव डाला तब सिर्फ शुद्ध खून वाले अमीर इंसानों के दबाव में इसे वापस शुरू करना पड़ा था।
तो फिर काउंसिल पीछे हट गई क्या साहब जी? नहीं, अब बहुत सारी कोशिशों के बाद काउंसिल ने कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी रोक टोक हटा ली। अब कोई भी अपनी पसंद की चीजें खरीद या बेच सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधे जेल का रास्ता दिखाएगी काउंसिल। पहरेदारों की बातों के बीच पिंदा की आवाज गूंजी। हाँ तो इस नजारे को रोज रोज देखना है तो कीमत अदा करनी होगी। घर ले जाकर देखना या कुछ भी करना। मुख्य पहरेदार ने अपने साथियों को आगे की कहानी सुनाने के लिए मंच की तरफ पीठ की और शिजा भी और जानकारी लेने के लिए ध्यान से उनकी बातें सुनने की उम्मीद में थोड़ा घूमी ही थी कि मंच के सामने खड़ी भीड़ अचानक चिल्लाने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अब तक खामोशी से गर्दन झुकाए रो रही तारा की चीख हवा में गूंजी। पहरेदारों के साथ साथ शिजा भी मंच की ओर पलटी। वहां जो नजारा था उसने शिजा के होश उड़ा दिए।